धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। मनी कैन बाई फूड बट कैनॉट बाई एपीटाइट। मनी कैन बाई बुक बट कैनॉट बाई नॉलेज। मनी कैन बाई क्लॉक बट कैनॉट बाई टाइम। मनी कैन बाई हाउस बट नॉट होम। मनी कैन बाय अ ब्यूटिफुल बेड बट नॉट स्लीप। पैसे से हर चीज खरीद सकते हैं, नींद नहीं खरीद सकते। भोजन खरीद सकते हैं, भूख नहीं खरीद सकते। पैसे से किताबें खरीद सकते हैं लेकिन ज्ञान नहीं। घड़ी जरूर खरीद सकते हैं लेकिन समय नहीं खरीद सकते। अगर नींद नहीं है तो तबीयत बिगड़ जाएगी, स्ट्रेस बढ़ जाएगा, सुबह में उठते ही फेटीग फील करेंगे, थका थका शरीर महसूस करेंगे, थायराइड बढ़ जाएगा, इनडाइजेशन प्रॉब्लम, इनकम टैक्स प्रॉब्लम है तो वरी पहले रहेगी, उसे नींद ही नहीं आएगी। खाना ज्यादा खा लिया पचेगा नहीं तो भी नींद नहीं आएगी। स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहा तो शरीर सारा दुखने लगेगा तो भी नींद नहीं आएगी। तो आप 25,000 50,000 के बड़े बड़े गद्दी तो लेकर आ जाते हो और डॉक्टर से जाके रेस्टिल टैबलेट उठा के लाते हो। तो नींद बहुत जरूरी है। बी केयरफुल कि ज्यादा अल्कोहल, निकोटाइन, कैफीन होती है ना, कई बार आदत, बार बार चाय पीते हैं, हर एक घंटे को चाय चाहिए, हर एक घंटे में कॉफी चाहिए, तो कैफीन एंड निकोटाइन इज वेरी डेंजरस, आपकी नींद उड़ा देती है। रात में अगर नींद अच्छी चाहिए तो बड़ा ग्लास भर के गरम गरम दूध और दो चुटकी जायफल का पाउडर डाल दें, अच्छी नींद आए, गहरी नींद आए। स्ट्रेस रिलीज करना बहुत जरूरी है। मेलेटोनाइन हार्मोन्स जो होते हैं, जब आपके ये हार्मोन्स कम होते जाते हैं, जैसे हमने एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की बात की थी, उसी तरह मेलेटोनाइन हार्मोन्स होते हैं जो यहां से जनरेट कर रहा है आपका ग्लैंड, अगर उसके अंदर वीकनेस अगर आ गई, अगर वो हार्मोन्स जनरेट होना स्लो डाउन हो गया तो आपको नींद नहीं आएगी। और फिर कई बार मेनोपोजल स्टेज में, हाँ, अगर यूट्रस निकाल दिया, ओवरीज निकाल दी तो भी नींद नहीं आएगी, क्योंकि आपने हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर दिया। सो यू हैव टू रिमेम्बर, उस वक्त मेलेटोनाइन हार्मोन्स बहुत वीक हो जाते हैं जैसे ही आपने यूट्रस निकलवा दिया। बड़े शान से बोलेंगे, थैली निकलवा दी, बड़े शान से बोलेंगे, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि आपने जो निकाला, आपने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा गहना, बहुत बड़ी ज्वेलरी आपने निकाल दी, आपने अपने बॉडी का एक बहुत बड़ा फाउंडेशन पिलर आपने हटा दिया वहां से। और फिर जॉइंट पेन, बॉडी पेन, नींद नहीं आना, ये सारी प्रॉब्लम्स चालू हो जाती है, डिस्टर्ब माइंड हो जाता है। सो बी केयरफुल कि यू हैव टू अवॉइड कैफीन, निकोटाइन सबसे पहले। स्ट्रेस रिलीज करना सीखो, खली बली किया था ना, स्ट्रेस रिलीज किया था हमने, स्ट्रेस रिलीज करना सीखो। फॉर एवरी प्रॉब्लम देर इज अ सॉल्यूशन। हम हर प्रॉब्लम को क्या करते हैं, रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। जब आप हर प्रॉब्लम, सामने वाली प्रॉब्लम इतनी बड़ी होती नहीं है लेकिन हमारा रिएक्शन उसको 10 गुना बढ़ जाता है। जब हम रिएक्ट करने लग जाते हैं हर बात को तो फिर वो हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाती है, और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, नींद नहीं आएगी। चिंता चिता समान, कबीर दास जी ने बताया, रहीम दास जी ने भी बोला कितने सालों पहले, लेकिन हम उनको सुनते ही नहीं, समझना ही नहीं चाहते उस चीज को। नो, फॉर एवरी प्रॉब्लम वी हैव सोल्यूशन। स्टॉप रिएक्टिंग, देन इट इज नॉट अ प्रॉब्लम।
फॉर एवरी प्रॉब्लम स्टॉप रिएक्टिंग देन सॉल्यूशन इज देयर ऑलवेज विद यू। अब मेलेटोनिन हार्मोन्स को कैसे जनरेट करें जो वीक हो गए हैं, कान के एज पे आ जाएंगे, थम से देखो सेंटर फिंगर मिला दो ऊपर, सेंटर फिंगर धीरे से नीचे आएंगे, धीरे से सेंटर में एग्जैक्टली सेंटर, आगे नहीं जाना है पीछे नहीं जाना है, एग्जैक्ट सेंटर पे जाएंगे एंड स्लोली कम डाउन। तीन फिंगर ले लो वहां पे ताकि सपोर्ट मिल जाए सेंटर फिंगर को, इंडेक्स फिंगर, सेंटर फिंगर एंड योर रिंग फिंगर। दूसरे हाथ से धीरे से दबाएंगे ताकि डीप प्रेशर मिले, ठीक है, डीप ब्रेथ। यदि हार्मोन्स की कमी की वजह से नींद नहीं आ रही है तो दिस इज द बेस्ट पॉइंट, नींद आने लगी ना। देन अगर कई बार हो जाता है कि सर्वाइकल में बहुत पेन है, बहुत पेन है, C1 to C7 शोल्डर तक पेन है, नींद नहीं आएगी क्योंकि पेन हो रहा है, बॉडी में पेन हो रहा है। वेरी सिंपल, हम अपने सेंटर फिंगर लेंगे, सेंटर फिंगर का फर्स्ट जॉइंट लेंगे हम, ठीक है ना। टर्न करिए अपनी तरफ हाथ को, टर्न योर साइड, ब्लू पॉइंट, कैन यू सी ब्लू पॉइंट। जब भी सर्वाइकल में बहुत स्ट्रेस हो जाता है, जब आपके स्वभाव में वरी बहुत ज्यादा है, स्ट्रेसफुल नेचर है, एंजाइटी बहुत ज्यादा है नेचर में, सीधा क्या करेंगे, आपकी सेंटर फिंगर के फर्स्ट जॉइंट, यस फर्स्ट जॉइंट एग्जैक्टली जो ब्लू स्पॉट दिख रहा है आपको, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाइए एग्जैक्टली जॉइंट के ऊपर, जॉइंट पे नहीं, जॉइंट से एक ही इंच ऊपर आ जाएंगे हम, आधी इंच ऊपर आ जाओ, क्लॉकवाइज मसाज करो, बहुत दर्द हो रहा है ना, बहुत दर्द हो रहा है, यस। सो सर्वाइकल में या स्पाइनल कॉर्ड में बैक पेन जिसको भी रहता है उनको ये दर्द बहुत होएगा। तो डेली सोने से पहले 3 to 5 minutes इफ यू गिव क्लॉकवाइज मसाज बिफोर गोइंग टू स्लीप, एक 10 मिनट पहले टीवी बंद कर देना है। अब एक खास इंपॉर्टेंट रिपोर्ट फॉर ऑल ऑफ यू, ग्लोबल रिसर्च के हिसाब से देखा जाए, आप सभी लोग अपने मोबाइल फोन अपने बेडरूम में रख के सोते हैं, सोने के बाद क्या जरूरत है मोबाइल फोन, लेकिन हम बाजू में रख के सोएंगे, क्यों रख के सोना है, क्या जरूरत है उस मोबाइल फोन की रात को सोने के बाद, क्या उसका काम है, कोई काम का नहीं है ना। जब हम सो गए फिर क्या काम का मोबाइल फोन, हाँ आधी रात को कुछ बैड न्यूज के लिए रखना है, नहीं ना, बैड न्यूज सुबह उठ के भी सुन सकते हैं और गुड न्यूज तो आधी रात में कभी आएगी। सो हमको क्या करना है, मोबाइल फोन बाहर, 24 घंटे नेटवर्क चल रहा है, और यदि आपके घर के आसपास मोबाइल फोन का टावर अगर है तो याद रखना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पास हो रही है 24 घंटे वहां से, आपके दिमाग की सारी नसें, आपके ब्रेन के जो हार्मोन्स, जो स्लीपिंग हार्मोन्स के अभी जो हमारे डिस्कशन हुई है, ये हार्मोन्स आपके वीक हो जाते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि नहीं, आधी रात का जॉब है, हर आधे घंटे एक घंटे में उठ के हमको जॉब का भी काम करना पड़ता है, कुछ घरों में है वैसा, कई लोग है जो लोग मिडनाइट वर्क भी कर रहे हैं, एक घंटा सोते फिर उठते फिर एक घंटा सोते फिर उठते हैं। अगर बहुत जरूरी है तो क्या करेंगे, तकिए के नीचे लोहे का टुकड़ा, लोहे की चाबी या लोहे का चाकू आता है ना छोटा सा, वो देखो, मैग्नेट को और आयरन को बहुत ही दोस्ती है, गहरी दोस्ती है, आप लोहा और मैग्नेट जब ये दोनों को बाजू में लाते चिपक जाते हैं ना, तो आप जब सोते हो तो तकिए के नीचे आप जब ये लगा देते हो लोहे का एक टुकड़ा, तो इट विल नॉट, दैट रेज विल नॉट क्रिएट एनी हार्म टू योर ब्रेन, इट विल नॉट क्रिएट एनी डिस्टर्बेंस टू योर स्लीप। तो क्या होएगा, वो जो मैग्नेटिक रेज जो पास हो रही थी वो सीधा लोहे से चिपक जाएगी, इट विल नॉट अफेक्ट टू योर माइंड।
तो ध्यान रखो कि बेडरूम में फर्स्ट ऑफ ऑल तो मोबाइल फोन रखो ही मत। लेकिन जिसकी मजबूरी है कि जिसका जॉब ही मोबाइल फोन से चलता है, 24 घंटे उसी में रहना पड़ता है आधी रात को भी, तो फिर जरूर तकिए के नीचे एक लोहे का कोई भी टुकड़ा जरूर रखेंगे। नेक्स्ट, जिसको पीस ऑफ माइंड नहीं है, माइंड हमेशा भागते रहता है, दौड़ते रहता है, सोते ही शुरू हो जाएगा, घोड़े से भी तेज। फोन लगने के बाद फॉरेन कंट्री अगर फोन लगाए तो उसको पहुंचने को भी टी 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 करके पहुंचने को समय लगता है, लेकिन दिमाग को अमेरिका तक पहुंचाना है तो देखो बैठे बैठे याद आ गए, सारे रिश्तेदार याद आ गए वहां के, है ना। कितना, एक सेकेंड, इट डजंट टेक अ सेकेंड ऑल्सो फॉर यू टू रीच टू दैट कंट्रीज, है ना, इट्स वेरी इजी। सो यू हैव टू काम डाउन योर माइंड। कैसे हम काम डाउन करेंगे? ब्लू कलर, सभी के घर में बच्चे हैं, ब्लू कलर की स्केच पेन होती है ना, होती है ब्लू कलर की स्केच पेन, है ना, सभी के घर में ब्लू बॉल पेन है, सभी के पास है ब्लू कलर। एज पर द सुजोग सिस्टम आपको बताया गया था कि हमारा थंब जो है इट इंडिकेट्स योर फेस, तो थंब के पीछे क्या आ गया, हेड, है ना। तो क्या करेंगे हम उसको पीछे से, स्मॉल ब्रेन एंड बिग ब्रेन दोनों को हमको कूल डाउन, काम डाउन करना है। तो ब्लू कलर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे राउंड अप कर देंगे नाखून के इर्द गिर्द, ठीक है ना, ब्लू कलर से। ओके, इजी इजी। कई बार होता है अश्लील विचार बहुत आते हैं कई लोगों को, जिसकी वजह से नींद नहीं आती है। कई बार वात के, वात पित्त और कफ, ये तीन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तभी भी नींद नहीं आती है। वेरी सिंपल, हाथ लेंगे तीन उंगली, तीन उंगली, ठीक है, जहां फोर्थ फिंगर जा रही है वहां पे हम क्या करेंगे, डीप प्रेशर देंगे क्लॉकवाइज फॉर 60 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स, इजी 60 सेकेंड्स, इसको क्लॉकवाइज प्रेस करना। कई बुजुर्ग लोग होते हैं जिनको नींद नहीं आती है, रात को सोने से पहले जिनको रात में 2-3 बजे नींद उठ जाती है, तो एक चीज प्रैक्टिस में ला लेंगे, दोनों पैरों को हम क्या करेंगे, आगे पीछे, आगे पीछे। जब आप इसको पुल करते हो, पुश करते हो, पुल करते हो, तो आपके पूरे दिमाग से लेके पैरों की नसें, 10 नसें है हमारी, है ना, बड़ी बड़ी नसें, तो ये सब रिलीज हो जाती है एंड यू विल गेट अ साउंड स्लीप। एंड अगर एक आदत सोने से पहले अगर हम कर ले, 2 fingers इंडेक्स एंड सेंटर फिंगर, कान है हमारे, कान के ऊपर से स्टार्ट करेंगे क्लॉकवाइज मसाज, 1 2 3, धीरे से पीछे जाएंगे 1 2 3 और नीचे 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, पीछे से ऊपर से आते हुए पीछे से जाएंगे और सामने आ जाएंगे पूरी क्लॉकवाइज 10 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स। जब आप पूरे पॉइंट्स को प्रेशर देते हो तो आपके दिमाग की सारी नसें खुल जाती है, मेलाटोनिन हार्मोन्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं एंड यू स्टार्ट गेटिंग अ साउंड स्लीप। थैंक यू। 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज एंड 5-10 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन इज मस्ट सो दैट यू कैन गेट प्रॉपर स्लीप। You can come out of insomnia and you can, you never have to take any Restyl tablet. Okay, please. To keep your mind peaceful and to get a peaceful sleep, ध्यान रखना है कि एक तो हम मोबाइल फोन अपने रूम में ना रखें, दूसरा लाइफस्टाइल चेंज करें, क्लब, पब, डिस्को या आधी आधी रात तक जो हम बाहर भटकते हैं पेज 3 में आने के लिए, तो सबसे पहले तो इसको हम बंद करें ताकि आपके ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आधी आधी रात तक टीवी देखने बैठते हैं, रात के 9:30-10 बजे तक तो आप क्या करते हो, टीवी देखते हो, उसके बाद आप क्या करते हैं, खाना खाने बैठेंगे। आपने ये तो सोचा ही नहीं कि जो पत्नी सबसे पहले उठती है और सबसे आखिरी में सो रही है उसकी क्या हालत होगी। तो प्लीज मेक श्योर कि आधी रात तक बिजनेस करते ना बैठे, चाहिए तो सुबह 6 बजे खोलो अपनी दुकान, है ना, सुबह 6 बजे खोलो, 6 बजे से शाम के 7-8 बजे तक कम बैक होम, 8 o'clock यू कम बैक होम,
गिव टाइम टू योर चिल्ड्रन, गिव टाइम टू योर वाइफ, गिव टाइम टू योर फैमिली, आपकी माँ, आपके पिताजी सब आपका इंतजार करते हैं। तो 8 से 9 आप सभी को समय दीजिए, 9 से 9:30 खाना खाइए, 9:30 to 10 डू लिटिल बिट ऑफ वॉकिंग, क्योंकि एक्सरसाइज जीवन के लिए बहुत जरूरी है। जिसके जीवन में एक्सरसाइज नहीं है, वॉकिंग नहीं है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उसको नींद नहीं आती है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि इफ यू वांट गुड स्लीप यू हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल। हु इज पासिंग थ्रू स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फियर, एंगर बहुत ज्यादा रहने से भी नींद नहीं आएगी, हार्मोनल चेंज, मूड स्विंग बहुत हो रहा है, एंड बार बार हर छोटी छोटी बात पे हम रिएक्ट करते हैं और हम खुद को हर्ट करते रहते हैं, तो हमको क्या करना है, पूरी उंगलियों को मिला देना है टाइट। विल मेडिटेट इन दिस पोजिशन। जब हम इसको टाइट बंद कर देते हैं तो आपके पूरे पिट्यूटरी, थायराइड, थाइमस, एडरनल, पैनक्रियास, ये सब के सब क्या हो रहे हैं, फिर से इनके सेल्स एक्टिव हो रहे हैं, तो आपको साउंड स्लीप आना शुरू हो जाती है। तो जस्ट क्लोज टाइटली, एकदम टाइट बंद रखेंगे फॉर 5 मिनट्स बिफोर यू गो टू स्लीप। जिसको हनुमान चालीसा आता है हनुमान चालीसा बोलेगा, जिसको गायत्री मंत्र आता है गायत्री मंत्र, जो 108 तस्बीह पढ़ते हैं, आप जो भी खुदा को मानते हो, जो भी भगवान को मानते हो, जो भी गॉड को मानते हो, उनका नाम 108 टाइम्स जब आप लेते हो इसको टाइट बंद करके, टेक्स हार्डली 5 मिनट्स, है ना। थैंक्स गॉड यू हैव गिवन मी अ ब्यूटिफुल डे टूडे, थैंक्स गॉड करते हुए, थैंक्स 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 करते जाओ, शुक्र खुदा करते जाओ, देखो आपको नींद कितनी बढ़िया देगा वो खुदा, ठीक है ना। लेट अस कोई कारण होगा सब कर्मों का भोग है बंदे, कर्मों को पहचान रे, कोई कारण होगा कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। सब कर्मों का खेल है बंदे, कर्मों को पहचान रे, कोई कारण होगा कोई कारण होगा। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नहीं, कांटों पर भी सो कर आए किसी के मन को चे, अरे कोई कारण होगा। ये जिंदगी है काम की।